बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इशात बेगम, मैं नाज की सास। आज मैं आपको लसूड़े बनाने बता रही हूँ। नाम तो सुना होगा, अब इसमें क्या कुछ डलेगा ये आप देखिए। ये मैंने कीमा लिया है आधा किलो, और आधा किलो ही मैंने लिए थे लसूड़े, लेकिन इसके बीज निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जब मैंने इनको फ्राई किया तो ये इतने मुन्ने से रह गए। ठीक है, कम होंगे, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, अच्छा आगे आगे दही, ये दही आपने डालना है इसमें आधा पाव। अच्छा, बकाया चीज़ें ये हैं, प्याज इसमें लीजिएगा 2 अदद, टमाटर इसमें लीजिएगा 4 अदद, छोटे हों तो 4, बड़े हों तो 2, काफ़ी हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाइएगा, ये डालिएगा इसमें 4-5 जवे लहसुन के, आधा इंच टुकड़ा अदरक का, और ये नींबू डलेगा ऊपर से, और हरी मिर्चें इसमें शामिल होंगी। ये देखिए, उसके बाद मैं पीसे मसाले बताती हूँ आपको कौन से हैं। अच्छा, ये देखिए मिर्ची है पिसी हुई, ये मैंने सिर्फ हाफ टीस्पून लिया है, ये आप इतनी थोड़ी डालिएगा, और एक कुटी मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो आप लीजिएगा 1 चम्मच, यानी टीस्पून ही, और आधा टीस्पून लीजिएगा आप हल्दी, 1 टीस्पून लीजिएगा आप नमक, और 1 बड़ा चम्मच लीजिएगा इसका धनिया का, और ये पिसी हुई काली मिर्चें हैं, ये हम ऊपर से डालेंगे, गरम मसाला और मिर्चें, और आधा ही चम्मच गरम मसाले का, और 1 चम्मच लीजिएगा आप सफ़ेद ज़ीरे का। चलिए बनाते हैं। देखिए जी, ये है लसूड़े। ठीक है, अब मैं इसमें से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर ऐसी ऐसी कैप्स बनी हुई होती है, इसको आपने उतार देना, ये उतर गया, सही। अब हमने क्या करना है, हमने छुरी से इसको ऐसे काटना है। ये हमने काटा, ये अंदर से निकला एक गुठली, ये देखिए, ये तो हमने इधर रख दिया, और इसको गुठली को हमने रिमूव करना है। ये देखें कितना इसमें, ये देखें, ये देखें, ये चीज़ लेस, बिल्कुल वीडियो की तरह का लेस होता है ये, ऐसे हमने गुठली निकाल देनी है, और ये अगर काला काला हो भी ना, तो इसको छुरी से ऐसे इसको भी रिमूव कर दें आप, बिल्कुल निकाल दें, ये चीज़ ये निकल गया, ठीक हो गया ये। अब हमारे पास ये चीज़ बचेगी छिलके, ये बचे, सही, इसमें भी जो लेस है उसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, लेस रिमूव करना, ये रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत होता है, ये तो निकल गया ना। अब हम इनको पता क्या करेंगे, अब हम इनको फिर ये काट लेंगे ऐसे, ये इसके पीसीस कर लेंगे हम, ये पीसीस कर लिए, ये अब तो ये नरम है ना, अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं ना आजकल, तो ये आराम से हो जाते हैं, वरना ये सख्त हो जाते हैं, फिर तोड़ना पड़ता है पत्थर से या उससे, ये ऐसे हमने इसकी चीज़ें ऐसे करके रख लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने इनको घी में तलना है, घी में तलेंगे ना जब हम, तो इनका ये जो थोड़ा बहुत रह गया है ना, ये भी सही हो जाएगा, थोड़ा सा तलने के बाद, हाँ इसको फ्राई करेंगे, फ्राई ऐसे करेंगे जैसे भिंडियाँ फ्राई करते हैं, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि अगर पानी आप डालेंगे ना तो फिर ज़्यादा लेस निकल आएगा, ठीक हो गया। ये देखें जी, मैंने ये इस पर रख दिया है, अब इसमें मैंने आधा पाव ऑयल डाल दिया, ये आधा कप यानी, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें करूँगी प्याज शामिल, ये मैंने काट के रखे हुए हैं, ये इसमें मैंने डाल दिए। अच्छा जी, ये देखें ना, हल्के हल्के से बिल्कुल हुए हैं। अब ये इसके बाद मैंने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, सबसे पहले इसको शामिल करेंगे, सही है, ये हम इसको भूनेंगे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसमें कीमा शामिल करेंगे, हो गया। देखते जाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अभी हल्का सा हमने इसको चलाया, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कीमा, ये देखिए। अब हम इसको भी हल्का सा एक चलाएंगे, तो थोड़ा सा वाइट सा हो जाएगा ना जब ये, फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कीमा फ्राई हो रहा है। हाँ। वैसे खाला, ये लसूड़े इनका फ़ायदा क्या है? ये लसूड़े जो है ना जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है,
ये हमारे यहाँ अब अक्सर लोग नहीं खाते, लेकिन पुराने ज़माने के उसमें ना औरतें बनाती थी और खाती, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, सही बताऊँ अगर। और उसके अंदर से ना एक लेस होता है, जब आप गुटली निकालते हैं ना तो एक लेस निकलता है उसमें, बिल्कुल जैसे भिंडियों में लेस होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो फ़ायदेमंद इस कदर होता है कि हम गुटली निकाल भी दें ना, तब भी आंवले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वो जो लेस है वो आपकी हड्डियों के लिए, घुटनों की हड्डियों के लिए, अक्सर होता है ना कि हाय घुटनों में दर्द हो रही है, घुटनों के जोड़ों के, जोड़ों के दर्द के लिए, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना। अब पहले लोग खाते थे तभी तो चलते थे, आजकल खाते ही नहीं ऐसी चीज़ें, बच्चे सब्जियाँ पसंद नहीं करते, बधाई है, ठीक है ना। मैंने आपको अच्छा, इसकी तासीर कैसी है? तासीर इसकी ठंडी है। अच्छा हाँ, और आप इसको इसे नहीं बना के खाएँ ना तो यानी बड़ी ज़बरदस्त, जायका भी बहुत मज़े का होता है इसका, बना के खाइएगा ज़रूर। ये नहीं है कि देख लिया और बस ख़त्म, नहीं, जो मैं बताती हूँ ना थोड़ा सा अमल भी कर लिया तो मसाले शामिल करेंगे सारे, सिवाय काली मिर्च, काली मिर्चें और गरम मसाला, ठीक है। ये हम इधर कर लेते हैं इसको ऐसे, ये हमने इसमें शामिल कर लिया सब कुछ, सिवाय दो चीज़ों के वो हमने रोक लिए, वो हम बाद में डालेंगे, ठीक है। आपने काली मिर्च और गरम मसाला रोक, हाँ रोक लिया। अब ये देखें ना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें मसाला भी रच जाएगा सारा। अच्छा, थोड़ा सा इसका पानी ज़रा हो जाए ना तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, ठीक है। ये बस एक दो मिनट भुना है मैंने इसको सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको गलाना भी है ना चिकन के कीमे को। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, कुछ पानी इसका होगा और कुछ जैसे जो निकला है दही से, दही दही तो हमने डाली है अभी, दही ये ठीक हो गया, इन्हें तो ये मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया और इसकी आँच बिल्कुल दरमियानी है, बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा, मिलते हैं आपसे फिर। ये देखिए जी, ये मैंने इसको रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए, अब इस पोजीशन में है कि ऑयल भी आ गया है और तकरीबन थोड़ा सा गल भी गया है। और अब हमें इसलिए इसमें बीच में डालना पड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो ये हम डालेंगे ना लहसुन, इनको भी तो गलाना है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब गले हुए ना टमाटर भी प्याज भी, और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये अपने लहसुन भुने हुए, ठीक हो गया, क्योंकि इन्होंने भी गलना है अभी, हमने सिर्फ फ्राई किया था इनको। और इसमें पानी आपने अब बिल्कुल भी नहीं डालना, हम अगर डालेंगे जब दम पे लगाएंगे ना इनको तो हम इसमें डालेंगे दही, सिर्फ दही, कुछ भी नहीं डालना हो, और फिर इसको हम दम दे देंगे भूनने के बाद। अभी हम 5 मिनट के लिए इसको ना हम दोबारा रख रहे हैं, धीमी आँच रखिएगा, 5 मिनट हो गए हैं इसको। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ, ये देखिए बिल्कुल हमारी मर्जी के ऐन मुताबिक है इसका, ये पानी नहीं डालना ये याद रखिएगा, वरना ये इसका लेस जो होता है ना वो वापस आ जाएगा, अब तो भुना हुआ है ना ये, वरना पानी डलेगा और लेस आ जाएगा। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं आधा पाव, बस इसको चलाने के बाद हम इसको दम दे देंगे, चलाएंगे भी नहीं ज़्यादा, इसका लेस ना निकले, ये बस। अब हम इसको फिर ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। अरे वाह, क्या बात है इस लसूड़े की, इसने कसूरी नहीं डाली जैसे वरना अक्सर क्या होता है लसूड़े ना कसूरी पा देते हैं, ये देखो ज़रा, देख के दिल चाह रहा है ना खाने का, क्यों मैं ना दिल नहीं चाह रहा, मेरा तो दिल चाह रहा है बहुत। अच्छा, मैंने इसे टेस्ट किया, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसका, लसूड़े को मैंने स्पेशली टेस्ट किया कि इसका टेस्ट कैसा है, ना ये खट्टा होता ना ये कड़वा होता, इसकी सारी जो है ना गज़ाइयत वो इसके लेस में ही है, ताकत, ज़ायर, सब कुछ।
आप बना के देखें दो मेरी बातों को, अनुमाना किया किया आप ना करके देखा करें, अमल किया करें, फिर आपको पता चलेगा। हल्का ना लें हम आपको। हाँ बस हल्का ना लिया करो। ये देखें ना, अब देख के नहीं दिल कर रहा, ये मेरा दिल चाह रहा ऐसे उठा उठा के ना खा दूँ सारे। चले अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके, ठीक है। लसोड़ी कीमा तैयार है। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी काली मिर्चें, गरम मसाला, हरा धनिया और अदरक स्प्रिंकल किया है, और जिससे इसकी लुक और टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो वैस हमारी आज की डिश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो याद रखिए, सास बहू का तड़का।